नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। निगरानी विभाग एक एक कर अधिकारियों के घर पर छापेमारी कर रही है और उनके घर से नोटों का खजाना मिल रहा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी एक इसी तरीके का मामला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने एक युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और उसने बताया कि किस तरीके से भ्रष्ट मुखिया के आतंक से पूरा गांव परेशान है। ये मुखिया काली कमाई के जरिए धन कुबेर बना बैठा है। इसकी सैकड़ों बसें चलती हैं, कुछ बसें दिल्ली में भी चलती हैं और करोड़ों की संपत्ति भी इसने अर्जित कर रखी है। इतना ही नहीं, काली कमाई के जरिए इस मुखिया ने होटल और भट्टों को भी खरीद रखा है। क्या कुछ कहा है इसने, पहले आप सुनिए। सर, मैं अर्जुन कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, बड़वारी। ये मुखिया है सर, और 25 वर्षों से प्रमुख रही है। पहले इनके पास मात्र 3 रूम का मकान था, 2 बस था, और अभी इनके पास 100 बस है और 20 बस दिल्ली चलती है और अरबों का संपत्ति है। 2 को जो है भट्टा है, होलसेल है, लाइन होटल है, और सर इनके डर से कोई बोलता नहीं है गाँव में। और हम एक साल पहले सर निगरानी विभाग में एफिडेविट फाइल करके दिए थे, इसकी जांच कराई गई, लेकिन वो डीएम को भेज दिया, डीएम एडीएम को भेज दिया, एडीएम एसडीओ को भेज दिया, एसडीओ सीओ को भेज दिया, सीओ सीआई को भेज दिया। कर्मचारी सर वो कुछ नहीं करे, पैसा का सर सब फेल है। इसमें सर सफेद पोस्ट आपके दिनेश बाबू जो है वो 1 करोड़ रुपया का लेकर के जो फाइल को दबवा दिए। 1 करोड़ रुपया लेकर दिनेश मुजफ्फरपुर। क्या है दिनेश? क्या है दिनेश? एमएलसी एक्स थे सर, अभी बर्खास्त है, आपने किया है। डीजीपी को दो ना, आइए पूरी बात बताइए। तो जैसा कि आपने देखा, युवक का आरोप है कि इस मुखिया के खिलाफ एक एफिडेविट भी दर्ज किया गया था, निगरानी विभाग को इसकी शिकायत भी की गई थी, फाइल को आगे बढ़ाया गया, लेकिन एक्स एमएलसी दिनेश सिंह ने 1 करोड़ रिश्वत लेकर के इस मामले को दबा दिया और अब इसकी शिकायत लेकर के वो मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा है, वो जनता दरबार में पहुंचा है और इस पर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।